जाइए मैडम उधर से पीछे जाइए ना, गमले बन के खड़ी हुई है, उठाइए के लिए जरूरत है सारे देश की, आज आप लोग सभी दिल्ली आ जाइए। की परमिशन नहीं है और ये इसलिए वो फोल्डिंग बेड्स के लिए उन्हें मना किया गया। इसको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, लेके नहीं जाने मेरी पुलिस नहीं लेके जाए बेटा, राहुल को हॉस्पिटल लेके जाओ। ये रात के करीब 2 बज रहे हैं और पहलवानों के समर्थन में जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, मीडिया के कैमरे के साथ बातचीत कर रही थी, अब पुलिस ने चार्ज कर दिया है। पुलिस सबको धक्का देकर के बस में बैठा के डिटेन कर रही है। अभी आप देखिए पुलिस की भारी संख्या में मौजूद। दोस्तों नमस्कार। तो देर रात एक न्यूज आती है कि जंतर मंतर पे चल रहा प्रोटेस्ट जो रेसलरों ने किया हुआ है, वहां पर देर रात में जो है आम आदमी लीडर सोमनाथ भारती देर रात वहाँ पर जो है बेड लेकर के आते हैं रेस्लर के लिए, कि वो जो है रात में आराम से जो वहाँ पर बैठ सके, आराम से लेट सके। और वो बेड किस लिए लेकर के आते हैं, क्योंकि यहाँ पर देर रात में जो है दिल्ली में और दिल्ली के आसपास के इलाकों में जो है बारिश का माहौल था और बारिश हुई थी, वहाँ पर जो रेस्लर जो है बैठ भी नहीं पा रहे थे। तो इसी कारण को लेकर जो है सोमनाथ भारती वहाँ पर कुछ फोल्डिंग बेड्स वगैरह लेकर के आए थे, लेकिन पुलिस ने जो है उन फोल्डिंग बैग्स को जो है अंदर आने नहीं दिया, रात के अंधेरे में फोल्डिंग बैग्स को अंदर आने नहीं दिया। तो उसके बाद में जो है ये सारी न्यूज़ जो हमारे सामने आती है। रात के हुए झड़प में विनेश फोगाट जो है मीडिया के सामने आती है और जो है ये बात बोलती है कि क्या हम इन्हीं दिनों के लिए देश के लिए मेडल लेकर के आए थे, इससे अच्छा है कि आप लोग जो हमें अपना मेडल जो है वापस दे देंगे। और सभी रेसलरों ने भी यही कहा। जो भी बंदे हम लेके आ रहे सोने के लिए उसमें भी इनको वक्ती सो जाओ मर जाओ, मारना ही है तो वैसे मार दो, मारने के लिए तैयार है, इतनी इतनी इज्जत गिराओगे क्या। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाएं जो है हमारे देश का नाम रोशन करती है, महिलाएं उन्हें पहलवानों ने जो महिला पहलवान है उन्होंने देश के लिए मेडल लेकर के आए हैं। जो भी ओलंपिक से महिला जाती है वो जरूर कोई ना मेडल से लेकर के आती है, हमारे देश का नाम रोशन करती है। और पॉलिटिशियन भी ये बोलते हैं कि हम जो अपनी महिलाओं के लिए ये सब काम करेंगे, और एक्चुअल में वो करते भी है, लेकिन जब ये सब चीज़ देखने को मिलता है तो हमें ये लगता है कि क्या वाकई में ये सब काम हुआ है, क्या वाकई में लगता है कि हमारे देश में जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित हैं, क्या वो अब धरना भी नहीं दे सकती। और धरना देना तो हमारा मूल कर्तव्य है, जो जिसको प्रोटेस्ट कर सकता है। गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया था, फिर उसके बाद में किसानों ने प्रोटेस्ट किया था, लेकिन प्रोटेस्ट तो कर ही सकते ना, लेकिन प्रोटेस्ट जो है यहाँ पे किया दिया जाने दे नहीं रहा। जब साक्षी जोशी एक यूट्यूबर एक पत्रकार इस न्यूज़ को कवर करने के लिए ग्राउंड पर पहुंची तो उनको जो है डिटेन कर दिया गया और रात के अंधेरे में उनको जो अकेला छोड़ दिया गया डिटेन करने के बाद में। फोन ले लीजिए, फोन ले लीजिए। डिटेन किस चीज के लिए कर रहे हैं आपको पहले बताइए बदतमीजी किस बात की कर रहे हैं आप, किस बात की बदतमीजी कर रहे हैं, किस बात की बदतमीजी कर रहे हैं, किस बात की बदतमीजी कर रहे हैं सर। तो इन लोगों ने पुलिस ने मुझे डिटेन कर लिया है, बिकॉज इनके हिसाब से जर्नलिस्ट रेसलर्स को कवर नहीं कर सकते हैं। मेरे कपड़े भी फाड़ दिए, मेरी पैंट नीचे से फाड़ दी इन लोगों ने, ये मेरे कपड़े फाड़ दिए इन्होंने, यहाँ पे देखिए ये पुलिस है, ये महिलाएं हैं, महिला पुलिस कर्मियां हैं जो यहाँ पर सामने बैठी हुई हैं, और इन लोगों ने मुझे ले जाते हैं, यही है जो तो हुआ ये था कि जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट की बात सामने आई तो मैं यहाँ पर आई हूँ, और इन सब लोगों ने मिलकर मुझे वहां तक अंदर तक जाने नहीं दिया। जब मैंने कहा कि
जर्नलिस्ट तो जा ही सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने मेरे पूरे कपड़े फाड़ दिए, मेरा दुपट्टा भी मुझे नहीं पता कि कहाँ है। ये सिर्फ इतनी सी बात है कि मुझे अंदर उन्होंने जाने नहीं दिया, तो सबसे क्योंकि मैं उनकी आवाज आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। अभी न्यूज चैनल बताएंगे, किसी न्यूज चैनल पर खबर नहीं आ रही होगी दस लोग के प्रोटेस्ट। उस टाइम वो खुद अकेले धक्का मारा था। क्या दिल्ली पुलिस कमिश्नर के इतनी अक्कल नहीं है क्या? अगर लड़कियां या धरने पे बैठी हुई थी या महिला, पुलिस की 24 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए। पुलिस तो प्रश्न से भी ज्यादा खतरनाक हो रही है। ड्यूटी थी लेकिन वो इधर अपने आप सभी देशवासियों से अपील है, बेटियों के मान सम्मान की लड़ाई है। आपकी बेटी ऐसे रो रही है, सभी से अपील है सुबह तक दिल्ली पहुंच जाओ। अगर आप नहीं बचा पाए तो कभी नहीं बचा पाओगे बेटियों की इज्जत को। पूरा देश आपको सुन रहा है, अगर आप बता। इन्हीं सबके बीच में जो है अब प्रियंका गांधी का भी एक ट्वीट आता है और ट्वीट में जो है अपनी ये बातें रखती हैं कि अपनी कड़ी मेहनत और लगन से देश व अपने परिवार का नाम रोशन करने वाली महिला खिलाड़ियों के आंसू देखकर बहुत दुख होता है, इनकी सुनवाई हो और न्याय दिया जाए। कुछ देर के बाद में रात में जो है रेसलर जो है अपील करते हैं अपने दोस्तों से और देशवासियों से कि अभी सब कुछ जो है ठीक है भाई, हम तीनों बिल्कुल ठीक हैं। एक दो बड़का चोट लगी है वो भी ठीक है। पूरी दिल्ली में पुलिस प्रशासन पूरा चारों तरफ से दिल्ली घेर रही है भाई। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा मैं, जो भी पुलिस के साथ प्रशासन के साथ किसी के साथ अपने बदतमीजी नहीं करनी है, क्योंकि ये लोग चाह रहे हैं कि हमारा धरना क्यों कर खराब हो। आप लोग किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, क्योंकि दिल्ली में आते ही ये डिटेन कर रहे हैं। आप जहाँ पे भी आपको रोके उधर ही बैठ जाओ आप। तो आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि किसी के साथ जबरदस्ती ना करें, ना बैरिकेड कूदने की कोशिश करें। सुबह 6 बजे के बाद आप यहाँ आओगे। ये पुलिस प्रशासन ने बोला कि रात को यहाँ कोई नहीं आ सकता, तो सभी को डिटेन कर रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है झगड़ा किसी के साथ भी नहीं करना है, धैर्य से काम लेना है, क्योंकि ये हमें मुद्दे से भटकाना चाह रहे हैं, तो हमें मुद्दे से नहीं भटकना है।